गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, चलिए मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, आपने यूट्यूब पे जो लेक्चर डाला था 11th का टर्म 2 का, है ना, झारखंड का मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने उसमें देखा था सेक्शन, है ना, मतलब ये सेट नंबर 1 का सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका था, आप देखे भी होंगे। अच्छा है, आज बेटा अपन स्टार्ट करेंगे टर्म 2 का फिजिक्स सेट नंबर 1 का सेक्शन नंबर बी। जी हाँ, सेक्शन बी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चाहते हो कि आपका हर एक आंसर, सब आंसर सही हो, तो आपको बने रहना मेरे वीडियो के अंत तक। जी हाँ, वीडियो के अंत तक। चलो तो बच्चों, देर ना करें, अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। अपन स्टार्ट करेंगे आज फिजिक्स का, है ना, सेट नंबर 1 का सेक्शन नंबर बी, है ना। सेक्शन नंबर क्या बेटा? बी। अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक? चलिए करें स्टार्ट। पक्का? श्योर है? चलो डन। देखते हैं कि सेक्शन नंबर बी में क्या क्या क्वेश्चन है भाई। अच्छा, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, तो संभावना की डेरिवेशन आ सके, है ना। चलो, सबसे पहला बोला गया क्वेश्चन कि राइट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस M1 एंड M2 सेपरेटेड बाय ए स्मॉल r। मतलब क्या बोले जा रहा है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, जो कि न्यूटन बाबा ने बता रखा था। श्योर? ये अपन पहले डिस्कस में, है ना, पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे। तो भैया क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला एफ बराबर जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर, है ना। ये रेडियस स्मॉल दे दिया तो स्मॉल आर मान लो भैया, है ना। यही फॉर्मूला को अपन को डिराइव करना है। तो इसमें कोई बड़ा बात है क्या, कोई बड़ा कंसेप्ट है क्या? नहीं। हाँ, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स देता टेढ़ा मेढ़ा करके, तब मजा लगता है क्या। चलो मान लो भैया दो बॉडी है ना, सिंपली समझ लो, लेट द टू बॉडीज, है ना, लेट द टू बॉडीज ऑफ मास, है ना, M1 एंड M2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल आर, बस रिस्पेक्टिवली, है ना भाई। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप बताओ न्यूटन साहब क्या बताए थे, है ना, आप क्या बताओ, आपको पता है न्यूटन बाबा क्या बताए थे? यस, कि अगर ये दो बॉडी है भैया, है ना, ये दो बॉडी है, ये एक बॉडी M1 है बेटा, क्या है, एक दूसरा बॉडी M2 है, और दोनों के बीच का दूरी क्या माने, स्मॉल आर है। तो जब कभी भी दो बॉडी रखा होता है, तो वो दोनों बॉडी के बीच में बेटा एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा था? न्यूटन बाबा कह रहे थे। श्योर? तो अगर ये दो बॉडी है, दोनों के बीच का दूरी आर है, तो दावे के साथ कह सकते हैं कि ये वाला बॉडी इसके ऊपर, ये वाला बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। और वो फोर्स कितना लगाता है, तो बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया कि सर ये दोनों मास को गुणा कर दो, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है फोर्स। अगेन सर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि सर ये दोनों मास के बॉडी, है ना, दोनों मासे जो रखा है, इसके बीच का दूरी क्या है, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर कर दो बेटा। ये हो गया सेकेंड। दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो आपके सामने या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा, M1 M2 बटा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। बेटा ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको डिराइव करना था बस, है ना। ये आसान क्वेश्चन था, कुछ लॉजिक क्वेश्चन, है ना, हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आप ये आसानी से बना सकते थे भैया, है ना, कि ये डेरिवेशन करना था अपन को, है ना, कर लिए कि दो बॉडी था, एक M1 था M2 था, दोनों के बीच का दूरी आर था भैया, है ना, फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, दोनों के प्रोडक्ट का मास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है भैया, दोनों को मिला देंगे आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा।
श्योर पक्का डन, चलो आगे करें। अगला क्वेश्चन बोला गया है इसी का राइट टू करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्स आ रहा है इसका दो करेक्टरिस्टिक बताना है। तो भैया सबसे पहला बात क्या कि ये जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। श्योर, अट्रैक्टिव इन नेचर, नॉट रिपल्सिव इन नेचर, ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक, अगला भैया क्या कि ये वाला वीकेस्ट फोर्स होता है ना, बहुत कमजोर फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, है ना। बस खत्म बात है, दो करेक्टरिस्टिक लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ये आप देख लो, है ना, ये ग्राफ आप देख लो, ये बिकॉज ग्राफ जो है ऐसा कुछ है नहीं ग्राफ में रखा हुआ ऐसा कुछ, हाँ आप देख लेना ग्राफ, और ग्राफ में पॉइंट मार्क करा है, उस पॉइंट को क्या क्या नाम है वो भी कर लोगे, ठीक है ना, श्योर है ना। अगर नहीं देखना चाहते तो यहीं देख लो, है ना, ये ग्राफ देख लो भैया, है ना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाना था, है ना। इधर है भाई आपका क्या स्ट्रेस है, इधर क्या भैया स्ट्रेन है ना, ये ग्राफ हो गया, यहाँ ए हो गया भाई, है ना, ये पॉइंट बी हो गया भाई, ये पॉइंट सी हो गया भाई, ये पॉइंट डी हो गया भाई, और ये पॉइंट क्या हो गया भैया ई हो गया। हाँ, अब पूछा गया है ए बी सी डी ई क्या है, है ना, तो देख लो, है ना, ये देख लोगे ग्राफ, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ए पॉइंट जो है बेटा इलास्टिक लिमिट है, है ना, आप देख लोगे ना, ठीक, ए पॉइंट इलास्टिक पॉइंट है, बी जो है वो क्या है भाई, है ना, यील्ड स्ट्रेस पॉइंट है भैया, है ना, चैप्टर में पढ़ाया जाता है। सी पॉइंट जो है भैया, है ना, या इसी को कहते हैं अपर, अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं, और सी जो बेटा है वो क्या है लोअर, है ना, लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट। डी जो है भाई क्या है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ओ दिख रहा है, देखें ऐसा नहीं कि पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, चल ठीक है ना, बढ़िया है ना। और ई पॉइंट है बेटा, है ना, ब्रेकिंग पॉइंट, ई इज द व्हाट ब्रेकिंग पॉइंट, बस यही क्वेश्चन था, है ना, डायग्राम बना करके सब पॉइंट लिखना था, ठीक है, मार्किंग करना था, देख लोगे आगे बढ़ें, बकवास था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, चलो है ना, ये अपन डेराइव करते हैं, ये 10 नंबर क्वेश्चन है भैया, है ना, डेरिवेशन, डेराइव करो, है ना, डेराइव करना है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस कितना प्रेशर लगता है उसको आप बताना है। अच्छा भाई आप भी जानते हैं कि अगर लिक्विड ड्रॉप है तो उसके अंदर दो तरह का प्रेशर लगता है ना, दो तरह का, एक तो सरफेस टेंशन लगता है लिक्विड में जो उसके एरिया को घटाना चाह रहा है, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो भी उसको प्रेस करना चाह रहा है भैया। तो भाई क्या है कि अगर दोनों प्रेशर लग रहा है तो उसका शेप जो लिक्विड का वो गड़बड़ हो सकता है, तो अंदर से लिक्विड कितना प्रेशर लगाए ताकि लिक्विड का शेप जो है वो वही का वही रह जाए। तो वही आपसे पूछा गया है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप आपसे पूछा गया है भैया, ठीक। चलो मान के चलते हैं भैया, क्या है कि अपन मान के चल रहे हैं, एक आसानी वाला बात कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा देखोगे कोई बड़ा बात नहीं है यहाँ पे, कि मान के चल आपके सामने क्या है कि एक क्या है कि एक लिक्विड का ड्रॉप है भैया, है ना, एक लिक्विड का ड्रॉप है भाई, ठीक। अच्छा ये दूरी अपन मान लेते हैं कि लिक्विड का जो ड्रॉप है उस ड्रॉप का रेडियस कितना है भैया आर है। चल अब क्या करा कि इसके पार्टिकल्स इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे मतलब चारों डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे भैया, तो जब इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो आप बताओ मेरे को क्या लिक्विड का जो ये वाला जो पोर्शन है क्या यही रहेगा या कुछ फैलेगा, फैलेगा क्योंकि अंदर से सब प्रेशर लगा रहे भैया। चलो मान के चल ये जो प्रेशर लगने के बाद अब जो शेप है कुछ ऐसे बन जा रहा भैया, और ये दूरी जो बढ़ रहा है वो मान के चल डी आर बढ़ा, कितना बढ़ा भैया डी आर बढ़ा, ठीक है। चलो पहले ड्रॉप का रेडियस कितना था आर था, जब प्रेशर चारों तरफ से लगा तो भैया प्रेशर लगने के बाद अब ये जो शेप है वो कितना बढ़ गया डी आर से बढ़ गया, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि ये प्रेशर कितना लग रहा है, ये जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, ये आपसे सवाल है, समझ में आया। हाँ चलो देखते हैं भैया कि आखिर ये प्रेशर कैसे निकाला जाए, है ना।
तो चलो करते हैं क्या कि कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप, अपन मान के चल रहे हैं कि कंसीडर अ लिक्विड है ना, कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर है ना, ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन इज एस है ना। हम सरफेस टेंशन को बेटा क्या मान रहे हैं, एस से डिनोट कर रहे हैं। अलग अलग बुक में टेंशन टी से दिखाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम एस से दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब यहां से लिख सकते हैं क्या, ड्यू टू सरफेस टेंशन है ना, अपन बता सकते हैं कि ड्यू टू सरफेस टेंशन है ना, द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस है ना एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स इन इनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल टू, आप भी जानते हैं कि सर सरफेस टेंशन जो फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन जो लग रहा है वो पार्टिकल के एरिया, ड्रॉप के एरिया को घटाना चाह रहा भैया, ये घटा रहा है। पहले स्फेरिकल ड्रॉप इतना था, सरफेस टेंशन लग रहा है जिसकी वजह से ड्रॉप का एरिया घटाएगा, तो वही लिखवाना चाह रहे कि फोर्स लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन भैया अंदर में क्या लग रहा है, इसको प्रेशर को शेप को बैलेंस करना है, तो अंदर से क्या लगेगा, प्रेशर लग रहा है, तो वही पॉइंट हम लिखना चाहेंगे है ना। चलो वही लिखना चाहेंगे देयरफॉर है ना, वही पॉइंट लिखना चाहेंगे कि देयरफॉर देयर इज मोर प्रेशर है ना, और ये कहाँ लग रहा भैया, इनसाइड है ना, इनसाइड देन क्या आउटसाइड, मतलब जितना बाहर से प्रेशर लग रहा है उससे ज़्यादा अंदर से लग रहा होगा, क्योंकि ऊपर से दो दो तरह का, एक सरफेस टेंशन लग रहा है, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है भैया, और नीचे से एक लौता अंदर से एक प्रेशर लग रहा है, तभी तो ये दोनों को बराबर करेगा, तभी तो शेप बराबर होगा ना। तो वही पॉइंट बोला गया, देयरफॉर देयर इज मोर प्रेशर इनसाइड, अंदर में ज़्यादा प्रेशर ये लगा रहा है ना आउटसाइड वालों से। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया भैया। अच्छा ये हो गया, अब अपन को डिराइव करना है। ठीक है, चलो डिराइव करते हैं, क्या है कि देखते हैं भैया क्या डिराइव होता है। चलो ठीक है, अब हम लोग जानते हैं भैया कि इसको हम मिटाते हैं। ठीक, इसको मिटा रहे हैं, चलो आप ये लिखे, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, इसको मिटा रहे हैं। तूने जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बदल दी। चलो भाई अब बताओ मेरे को भैया कि अगर आप बताओ मेरे को कि अगर प्रेशर लग रहा है ऐसे करके कुछ अंदर से बाहर, तो कुछ वर्कडन करना पड़ रहा होगा है ना, वर्कडन तो करना पड़ेगा भैया। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले अपन वर्कडन निकालते हैं, और वर्कडन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको भी पता है भाई है ना, फोर्स इंटू क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को बेटा एफ मान रहे हैं, और कितना डिस्प्लेस करा, कितना खिसकाया, आप बताओ मेरे को, ये प्रेशर लगा तो कितना वर्कडन कितना चला भैया, ये dr चला, तो अपन लिख सकते हैं कि w बराबर f dr है ना। अब यहां से हम लोग जानते हैं कि ये फोर्स बराबर होता है बेटा, फोर्स बराबर होता है प्रेशर इनटू एरिया होता है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इनटू dr था, क्योंकि ये फोर्स किसके वजह से लग रहा है भैया, ये प्रेशर के वजह से लग रहा है ना, है ना, ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है ये किसके वजह से लगा, प्रेशर के वजह से लग रहा है भैया। तो हम ये फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया के फॉर्मेट में तोड़े, और प्रेशर को प्रेशर रहने दे भैया। अच्छा एरिया कितना होगा, कोई बताओ मेरे को है ना, ये कितना एरिया होगा, जो स्फेरिकल का एरिया होता है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr² क्या होता है, dr होता है। दिस विल बी द इक्वल टू वर्क डन, और ये इक्वेशन नंबर क्या रह गया, पहला रह गया भैया। ठीक सर, पहले वर्कडन निकाले, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स सर डिस्प्लेसमेंट कितना चला, dr चला, तो dr लिखे, फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया होता, प्रेशर को प्रेशर, एरिया 4πr² था। ठीक चलो अब हम लोग क्या जानते हैं कि अल्सो वी हैव एक सर एक चीज और अपन जानते हैं, ये चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि ये वर्कडन जो होता है, ये वर्कडन बराबर होता है सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए के बराबर होता है भैया।
है ना। कैसे सर? सरफेस टेंशन का काम क्या है? सर एरिया को डिक्रीज करवाएगा, तो इसके लिए अपन को उसके अगेंस्ट में जाकर के वर्क डन करना पड़ेगा ताकि उसका शेप गड़बड़ ना हो भैया। तो भैया इस वजह से फॉर्मूला बनता है कि ये वर्क डन बराबर होता है सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए। सरफेस टेंशन को बेटा एस रहने दे। अब ये एरिया को अपन लिख सकते हैं क्या? यही वाला एरिया। अब यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा ए का मतलब समझ में आ रहा, चेंज कितना का हो रहा था, है ना। तो पहले चेंज करने के लिए एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं 4 पाई। अच्छा आर पहले कितना था भैया? आर। और कितना चेंज हुआ भैया? डी आर। तो टोटल यहां से यार फाइनल वाला कितना हो जाएगा भैया? लिख सकते हैं क्या, है ना, आर प्लस क्या लिख सकते हैं, डी आर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे भैया। अच्छा ये फाइनल वाला एरिया हो गया, अपन को डेल्टा ए चाहिए तो माइनस करेंगे और अंदर वाला क्या करेंगे, 4 पाई इंटू क्या करेंगे, आर स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, है ना। यहां तक हो गया आपका क्या बेटा, ये वर्क डन। ठीक, अब अपन क्या करने वाले, थोड़ा गौर से देखोगे यहाँ पे। हाँ अब अपन क्या करने वाले हैं कि ये 4 पाई को अगर यहाँ कॉमन निकालेंगे तो देखो कुछ होगा भैया, है ना। थोड़ा गौर से देखोगे कुछ, यहाँ से अगर 4 पाई को कॉमन निकालोगे तो भाई लिख सकते हैं क्या, एस इंटू 4 पाई, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, आर प्लस डी आर का क्या स्क्वायर माइनस आर का क्या स्क्वायर, है ना। आपके सामने ये फॉर्मूला बच जाएगा भैया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया, है ना। आर प्लस डी आर स्क्वायर, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या करें, 4 पाई को कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचा भाई, आर प्लस डी आर का वाला स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बचा, ये वाला कॉमन ले लिए भैया, तो माइनस क्या बचा, आर स्क्वायर। यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो बेटा इसको तोड़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। हाँ इसको अगर अपन तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो बताओ क्या बनेगा, आप बताओ मेरे को कि इसको रहने दे, सरफेस टेंशन गुने 4 पाई गुने ए का स्क्वायर, है ना, प्लस बी का स्क्वायर, तो मतलब डी आर का स्क्वायर, है ना, प्लस क्या लिखेंगे बताओ, प्लस ए 2 इंटू ए इंटू बी, ये लिख सकते हैं, देखो तो, है ना। ये अपन तोड़े a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या था बेटा, r स्क्वायर। देखो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर क्या हो जाएगा आप बताओ मेरे को, है ना, ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर क्या होगा बताओ मेरे को, कट जाएगा। ठीक, अच्छा आपसे मेरा सवाल यही है कि डी आर का स्क्वायर करना है भैया, है ना, डी आर का। अच्छा आप बताओ मेरे को कि ये वाला पहले जो रेडियस r था, ये रेडियस भैया डी आर बढ़ा, अगर इसका और स्क्वायर करेंगे, जैसे मान के चल 0.2 सेंटीमीटर प्रेशर से बढ़ गया या 0.2 मीटर प्रेशर से बढ़ गया, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये वाला चेंजिंग तो बहुत कम है, और अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो और चेंजिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। मतलब क्या है कि डी आर का होल स्क्वायर जो कर रहे हैं इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम का स्क्वायर कर रहे तो और कम हो जाएगा भैया, है ना, कम का स्क्वायर करेंगे तो और कम, तो इस चीज को अपन हटा सकते हैं। फाइनली लिख सकते हैं क्या, s इंटू क्या लिख सकते हैं, 4 पाई, है ना, s इंटू 4 पाई, और यहां लिख सकते हैं क्या भाई बताओ, है ना, 2r इंटू डी आर, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस विल बी द इक्वल टू क्या, w हो गया। अब अपन w इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को अगर करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, From equation first and second we get, हम लोग पाते हैं क्या पाते हैं, पहला equation बताओ कहाँ पे था, वो वाला रहा, pressure into 4 pi r square into dr is equal to, अच्छा left side में work done, यहाँ भी left side में work done, तो left side बराबर, तो right side भी बराबर हो जाएगा भैया, बराबर करते हैं क्या, s into क्या करेंगे, 4 pi into क्या करेंगे, 2R इंटू क्या करेंगे, DR, कुछ कटने वाला है, यस DR से DR कटने वाला है, 4π से 4π कटने वाला है, है ना, ये AR से AR कटने वाला है, आपके सामने प्रेशर बराबर आ जाएगा क्या भाई, 2 बचा यहाँ पे, S बचा यहाँ पे, 2S और यहाँ पे R था, ये गुना से उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपको डेवलप करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा भैया, 2S बटा R। लंबा डेरिवेशन है ना, एक दो बार देखोगे समझ आ जाता है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, समझ में आया,
चलो इसको छापो जल्दी। हाँ छाप लिया। चलिए डरोगे नहीं है ना, जिंदगी कभी कभी इम्तिहान लेती है ना, और वो इम्तिहान में अपन को पास होना है, डरना नहीं है। हाँ और हम लोग जन्म लिए मनुष्य के यहाँ है ना, अगर हम लोग जन्म लिए मनुष्य के यहाँ तो दो चीज़ करना ही होगा भाई है ना, सबसे पहले तो पढ़ना ही होगा और दूसरा कमाना ही है, पैसा तो कमाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है भैया है ना। भगवान तो जान करके तेरे को तकलीफ देता है ना, संघर्ष दे रहा है, कठिनाई दे रहा है कि क्या वो संघर्ष, क्या वो तकलीफ से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। अगर निकल गया तभी तो नेचर उसको सेलेक्ट करेगा ना, अदरवाइज नेचर कैसे सेलेक्ट करेगा। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे। तो जो हम लोग के पास तकलीफ आ रहा है या संघर्ष आते कठिनाइयाँ आती उसका हंस करके सामना करो फिर, क्योंकि वही तो तेरे को अंदर से मजबूत बनाएगा ना। क्योंकि अगर उस तरह का फिर अगर सामने में तकलीफ आएंगे बाद में तो हम जान चुके भैया कि उस तरह के तकलीफों से कैसे पार होना अपन को, कैसे आगे निकलना अपन को, तो फिर काहे का टेंशन है ना। तो तकलीफ जितना आए जिंदगी में उतना मजा लगता है, और मजा करो तकलीफ, आओ आओ और आओ और आओ, हम भी देखते हैं भगवान मेरे को कितना झुकाता है भैया। वो जितना चाहेगा दबाने के लिए हम उतना उठेंगे, लास्ट में भगवान भी तो मजबूर हो जा करके बोलेगा भैया इसके अंदर है ना दम है, इसको लड़ने का बहुत क्षमता है, इसको आगे बढ़ने का बहुत क्षमता है, इसको अपना कैरियर बनाने का बहुत क्षमता है, इसको अपना सोसाइटी को बदलने का बहुत क्षमता है, तो इसको नेचर सेलेक्ट कर लो, यू विल बी सेलेक्टेड है ना। समझ में आ रहा, चलो इसको हम मिटाते हैं है ना। कभी कभी आप जिंदगी में बहुत डिप्रेस हो जाते होंगे, कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरा कोई नहीं है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हम आगे क्या करें कैसे करें कुछ समझ नहीं आता होगा है ना। तो उस कंडीशन पे क्या करो कि उस कंडीशन पे कुछ नहीं, घर का एक कोना में बैठ जाओ है ना जा करके, और लाइट बन करके सोचो बारीकी से कि हे भगवान जो आप कर रहे हो मेरे लिए वो क्या सही है या सही नहीं है। तो भगवान का हर एक कार्य सब सही होता है, बस समय का इंतजार करना होता है। और सोचो अपने कैरियर के बारे में सोचो बैठ करके कि जो हम कर रहे हैं वो माँ पिता के लिए सही है या सही नहीं है। अगर सही अंदर से आवाज़ आ रहा होगा कि सही है तो आप करो, और नहीं सही आ रहा तो स्टॉप दैट वर्क। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, एक बार सोचो कि जो चीज़ अपने को करना था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसमें हम बाजी मार लिए हैं, देखो है ना अब मेरे को कल से है ना जॉब पे जाना है, एक सेकेंड के लिए सोचो तो बस सही। अरे एक सेकंड के लिए खुशी तो आ ही सकता है ना, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम है ना, ये आप जानते होंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई बड़ा बात नहीं, सिंपल पेंडुलम। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम। हाँ सिंपल पेंडुलम क्या होता है भैया जानते हैं आप है ना, सिंपल पेंडुलम एक ऑब्जेक्ट होता है, एन ऑब्जेक्ट है ना, हैज अ स्मॉल मास, अ स्मॉल मास है ना, विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर है ना, हैविंग नेग्लिजिबल मास। मिटा ऐसे, यही तो है ना, ये वायर है नेग्लिजिबल मास का, ये छोटा सा बॉब कहते हैं इसको है ना, जिसका मास एम होता है और लटका होता है स्विंग से है ना, यही आपका सिंपल पेंडुलम। बेटा इसका टाइम पीरियड निकालना होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π अंडर रूट एल बटा जी होता है बेटा, ये फॉर्मूला याद रख लो, अगला सेट में ये फॉर्मूला को डिराइव करके लाएंगे कि ये टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का ऐसा कैसे आ रहा है, करेंगे डेरिवेशन। हाँ नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट सेट में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, तो सेकंड पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ बेटा याद रख लेना है तेरे को, इफेक्टिव लेंथ है ना, इफेक्टिव लेंथ तेरे को याद कर लेना सेकंड पीरियड का 99.9 है ना सेंटीमीटर के आसपास होता है अप्रॉक्स में, 99.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में होता है। ये तीनों हो गया एक ही क्वेश्चन में, ठीक। चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई है ना,
इसको मिटा देते हैं, आगे की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखोगे तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12। चलो, बोला गया है ऑप्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन निकालना है, वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो आप बताओ, कल बताए थे आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? सर जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो। अरे नहीं भाई, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट मान के काम कर रहे होते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं भैया। चलो ठीक, करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। चलो कर लेते हैं भैया, है ना। सपोज कर लेते हैं, इसको डेराइव कर रहे हैं ना, डेरिवेशन, इसको अपन डेरिवेशन करना भैया। तो यहाँ पे डेरिवेशन लिख देते हैं और नीचे लिखते हैं सपोज कर रहे हैं क्या कि वन मोल ऑफ गैस है ना, सपोज कर रहे हैं वन मोल ऑफ गैस इज इनक्लोज्ड, है ना, इनक्लोज्ड इन आइसोथर्मल कंटेनर, है ना। एक आइसोथर्मल कंटेनर है, उसमें एक मोल गैस को हमने भर दिया। आइसोथर्मल कंटेनर का मतलब बेटा कि जिसपे टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहे, कभी चेंज ना होए, ठीक। चलो, लेट P1, V1 एंड T बी द इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना। चलो अगेन, गैसेस एक्सपैंड, अगर गैस बेटा फैलेगा तो प्रेशर क्या उतना ही रहेगा क्या? नहीं, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर, है ना, तो वॉल्यूम के साथ देखेंगे तो मान के चल पहले प्रेशर हम P1 माने हैं, अब हम लोग कर रहे हैं क्या, लेट एक्सपेंड टू वॉल्यूम, है ना। अपन क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे और करके कितना कर दिए हैं V2। तो आप बताओ मेरे को, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होगा? घटेगा, है ना। एंड प्रेशर रिड्यूसेस टू P2, प्रेशर को हम कर दिए कितना, P2। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यहां लिख दोगे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। चलो ठीक, सो वर्क डन इज गिवन बाय, तो भैया कितना वर्क डन करना पड़ेगा गैसेस के द्वारा? तो वर्क डन बराबर मान के चल, है ना, ये DW, छोटा सा वर्क डन करते करते क्या वो बड़ा सा वर्क डन के बराबर नहीं हो जाएगा? और वो कितना के बराबर होता है बेटा? P∆V के बराबर होता है, या DV अपन बोल सकते हैं इसको। छोटा सा वॉल्यूम बढ़ाएं, V1 से V2 कर दिए, तो प्रेशर इंटू DV को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वर्क डन कहते हैं। कितना प्रेशर कितना वॉल्यूम में लगा वो जो है वो वर्क डन के बराबर होता है। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू कितना बेटा होता है? NRT होता है, या N कितना माने हैं? 1 माने हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT बटा V होता है। अब ये P का वैल्यू जो वर्कडन आया बेटा, वर्कडन बराबर P इंटू DV जो है, इस P का वैल्यू यहाँ पटक देते हैं, थोड़ा गौर से देखोगे ठीक। जैसे P का वैल्यू पटकेंगे तो क्या आएगा? RT बटा V आएगा इंटू क्या हो जाएगा? DV हो जाएगा बेटा, ठीक। अच्छा, ये वर्कडन बराबर आ गया क्या? RT है ना, इंटू DV बटा V लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या बेटा? अब इंटीग्रेट यहाँ पे हम करेंगे, है ना। अच्छा, ये जो है वो DW के बराबर होगा, छोटा सा वर्कडन हो रहा छोटा सा वॉल्यूम में भैया। तो अगर मान के चल यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे DW का, तो भैया R और T कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे 1/V इंटू DV। दिख रहा है? देखो तो, हाँ देख लेते एक बार। हाँ चलिए, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक। देखो अब DW का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा कितना वर्क डन के बराबर हो जाएगा? W का बराबर हो जाएगा RT। और बेटा एक फार्मूला होता है मैथ्स में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/V इंटू DV का फार्मूला होता है LnV के बराबर होता है बेटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, मैथ्स में होता है,
है ना। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वी इंटू डी वी बराबर क्या होता है, एल एन वी होता है। अगर यहाँ पे वन बाई एक्स इंटू डी एक्स रहता तो यहाँ एक्स आ जाता। तो इसके जगह पे अपन लिख सकते हैं क्या कि वन बाई वी, इसके जगह पे अपन लिख सकते हैं एल एन वी लिख सकते हैं। और बेटा लिमिट ले ले अपन, वी वन से कहाँ जा रहे हैं, वी टू जा रहे भैया, है ना। अपन चेंज करें ना वॉल्यूम को, कहाँ से कहाँ ले गए थे, वी वन था और बाद में कितना ले गए, वी टू ले गए। तो हम लिमिट डाटा पुट कर दिए, यहाँ लिखेंगे बेटा वी टू, यहाँ लिखेंगे वी वन। अब ये तो आपको पता ही होगा वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, आर टी, और लिखेंगे क्या, है ना, लिखेंगे क्या एल एन वी टू माइनस क्या एल एन वी वन। और आगे आप जानते होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे इसको, बेटा अपन क्या लिख सकते हैं बताओ कि ये वर्क डन जो है वो आर टी है ना, इसको लिख सकते हैं एल एन वी टू बटा क्या वी वन। आप जानते हैं एल एन वी टू माइनस वी वन का फॉर्मूला होता है ये वाला, है ना, ये जो है वो इसी के बराबर होता है। एल एन को हटाएं, एल एन को जब हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, लॉग आ जाएगा, है ना। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा क्या आर टी 2.303, है ना, लॉग क्या आ जाएगा बेटा वी टू बटा क्या वी वन। इसको अगर पहले लिख देते हैं तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर 2.303 आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। और ये रहा आपके सामने वर्क डन का फॉर्मूला जो अपन को निकालना था। देखो कैसे कैसे करें बताया फिर से पढ़, चलो इसको एक बार फिर से बताते हैं। हाँ डेरिवेशन अच्छा था, क्या बोल रहा है ना। सपोज एक मोल गैस है जो कि आइसोथर्मल कंटेनर में रखा, आइसोथर्मल कंटेनर का मतलब टेम्परेचर को फिक्स कर दिया गया, चेंजिंग नहीं करा है। शुरुआत में मान रहे प्रेशर कितना था, P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T था। कुछ देर के बाद कह रहे कि वॉल्यूम को बढ़ाएं और V1 से हम V2 कर दिए। अब जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा भाई, और डिक्रीज होकर के मान के चल चेंजिंग कितना करा, P2 कर दिया भैया। अब कितना वर्कडन करना पड़ रहा होगा गैस के द्वारा, तो फार्मूला होता है वर्कडन बराबर होता है P into dV, है ना। और ये जो है वो dW, अगर छोटा सा वॉल्यूम में वर्कडन करा तो छोटा सा वर्कडन होगा भैया, छोटा सा वॉल्यूम अगर बढ़ा तो छोटा सा वर्कडन, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो या बड़ा वाला नहीं हो जाएगा। तो वही तो करें, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, तो dW बराबर P into dV लिख सकते भैया। PV इक्वल टू NRT, N बराबर 1 मोल होता है, तेरे को भी पता है। P का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, P का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो W बराबर जगह RT into dV/V। ये dV के बराबर, dW बराबर इंटीग्रेट कर दें, छोटा सा वॉल्यूम में छोटा सा वर्क, बड़ा सा वॉल्यूम में बड़ा सा वर्क। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं, V1 से V2 कर रहे हैं, लिमिट लगा दिए, dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, RT को RT। इसका आपको मैथ्स में पढ़ना, 1/V into dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, LN भी होता है, है ना। आगे फॉर्मूला पे पुट किया, गेट द आंसर करें। तो ये आपके सामने हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया। हाँ चलो शाबाश, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओगे सर यहाँ पे फिर से एक बार समझा दो, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से समझाने का कोशिश करूँगा, श्योर, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। हाँ चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं भैया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट कैपेसिटी, राइट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। भाई ये तीनों को डिफाइन कर लोगे, है ना, ये डिफिनेशन कर लो भाई, है ना, डिफिनेशन है क्या इसमें समझाएं अब हम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है देख लोगे, है ना, बस ऐसे समझ लो कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस, एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए एक मास को, है ना, कितना हीट देना पड़ेगा, उसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, है ना। लेटेंट हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ, है ना सर, यूनिट मास के स्टेट को चेंज करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, सो दैट कि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए भैया, है ना। अस कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम हीट एनर्जी लॉस्ट बाई, एक जो गर्म बॉडी है वो जितना हीट एनर्जी को लॉस करता है उतना ही ठंडा वाला बॉडी उसको क्या कर लेता है, गेन करता है, बस। 14 नंबर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन अ सींग इज डिस्क्राइब बाई, एक वेव दे रखा है जो कि कुछ ऐसे दे रखा है वाई एक्स टी बराबर दे रखा है 3.0 sin, है ना, 36t प्लस 0.018x प्लस पाई बाई 4। ये आपके सामने एक इक्वेशन दे रखा बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है ये वाला, SHM का क्वेश्चन है। और आपसे पूछा गया व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट इज द इनिशियल फेज एट द ओरिजिन। मतलब आपसे तीन चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है भैया, है ना। तो ऐसा करो कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन को क्या करो कि बेसिक इक्वेशन से आप कोरिलेट करो पहले,
है ना, कि SHM का बेसिक इक्वेशन क्या है भैया। तो अगर हम लोग बात करें SHM का बेसिक इक्वेशन, तो होता है y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाई होता है बेटा। ये आपके सामने बेसिक इक्वेशन है भैया, ये दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ द SHM, है ना। बाद में फाई भी नहीं होता बेसिक, ये साइन ओमेगा टी सिर्फ होता है बेसिक इक्वेशन में, लेकिन कभी कभी फेज का अंतर आ जाए, है ना, एंगल का अंतर आ जाता है, तो फाई अपन लगाते हैं। अभी इस फार्मूला से इससे कोरिलेट करो। अच्छा, ये जो होता है बेटा, यही ए जो होता है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसी को अपन क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। अब तुम देख करके बताओ दोनों इक्वेशन को कि ए के जगह पे कितना है भैया, 3.0 है, इसका मतलब पता चल गया एम्पलीट्यूड 3. कितना आ गया, 0 आ गया भैया, बस खत्म। साइन के जगह पे साइन है, अच्छा टी के जगह पे टी है, ये ओमेगा, ओमेगा के जगह पे कितना भैया, 36 है, मतलब पता चल गया कि ओमेगा बराबर 36 है भैया, बस खत्म बात है। देखो तो के के एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो के जगह पे कितना आ गया भैया, तो पता चल गया कि के जगह पे है आपका 0.018 है, और ये फाई जो होता है इसी को अपन कहते हैं फेज कहते हैं ना, फेज कहते हैं इसी को, है ना। तो ये फाई बराबर कितना आ गया बेटा, फाई कितना से आगे चल रहा है, 5/4 से चल रहा है। अब एक एक करके निकालते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया एम्पलीट्यूड कितना होगा, 3.0 होगा। फ्रीक्वेंसी कितना होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है, हाँ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, वो फार्मूला देख लो भैया, है ना, फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है ना, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है भाई ओमेगा बटा के, ओमेगा बटा क्या होता है, के होता है भैया, हाँ ओमेगा बटा के। ओमेगा कितना था भाई, 36 था, के कितना था भैया, 0.018, क्या जोड़ घटाव आता है, आता है भैया, कट करने आता है, 18 × 36 आ गया आपके सामने, कितना आ जाएगा भैया, 20 आ जाएगा, है ना, 2000 आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर से हमको बेटा, इसको सेंटीमीटर में ये था, है ना। देखो तो यहाँ पे किस में था, दे रखा होगा कहीं ना कहीं, ज़रूर दे रखा होगा आपको, हाँ देखते हैं, हाँ दे एक्स एंड वाई एंड सेंटीमीटर, जब इसको मीटर में करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे, क्योंकि अपन को मीटर चाहिए, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 20 है ना, ये कितना आ जाएगा, 20 m/s आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, ठीक। ये हो गया सेकेंड वाला। थर्ड वाला आपसे पूछा गया क्या, इनिशियल फेज तो पता चल ही गया, 5/4। अगला बोला गया है फ्रीक्वेंसी आ तो ही गया है, और क्या पूछा गया है, माफ करना, ये जो निकले वो स्पीड निकाले बेटा, माफ करोगे है ना, ये स्पीड निकाले हम, स्पीड फ्रीक्वेंसी बराबर होता है ना, माफ करना, ये स्पीड है बेटा, है ना, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है ओमेगा बटा 2k होता भाई, माफ करोगे, ठीक, ये फ्रीक्वेंसी बराबर होता है ओमेगा बटा 2, है ना, 2π, माफ करो, ओमेगा बटा 2π, फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा बटा 2π होता भाई, है ना, आई एम रियली सॉरी, हाँ होता है कभी कभी गलती, ठीक। ओमेगा का वैल्यू पता है 36, 2π, 18 कटेगा, मतलब 18 / क्या आ जाएगा, है ना, पाई आ जाएगा, 18 / π, है ना, बस यही आपका आंसर हर्ट्स में, ठीक है। चलो ये आपके सामने हो गया क्या सब चीज़, ठीक है। अब ये हो गया सेक्शन नंबर बी कंप्लीट हो गया, है ना, सेक्शन नंबर बी इज़ कंप्लीटेड, है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन नंबर सी को लेकर के, तब जाकर के आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट होगा, है ना। तब तक मैं लेना चाहूँगा अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।